हेलो गाइस, तो बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल कर रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने क्या क्या बेबी डॉज कॉइन के लिस्टिंग को लेकर के उसको जानेंगे, और साथ ही साथ गाइस बेबी डॉज कॉइन का बर्न पोर्टल में काफी ह्यूज अमाउंट में बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग हो रही है। तो कितना ज्यादा बर्निंग हो रही है, उससे प्राइस में कितना ज्यादा इंपैक्ट देखो मिलने वाला है, सब कुछ पूरा डिटेल में जानने वाले इस वीडियो में। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे बात करें बर्निंग की, तो गाइस पास्ट अगर देखोगे तो पास्ट 24 आवर्स में बेबी डॉज कॉइन जो बर्न करना ऑलमोस्ट 32 ट्रिलियन टोकन यहां पे बर्निंग की है, जिसका वर्थ ऑलमोस्ट 124.661 डॉलर है गाइस। तो गाइस काफी ह्यूज अमाउंट में बर्निंग हो रही है, सप्लाई काफी तेजी से रिड्यूस हो रहा है, ऑलमोस्ट 48.3% सप्लाई रिड्यूस हो चुका है एक दो दिन के अंदर ही, जहां पे पहले सप्लाई था 47% ऑफ टोटल। अगर बात करें यहां पे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन 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 जीको की, जो मैं थाईलैंड पोर्टल की बात करूं तो इसमें भी बेबी डॉज कॉइन ट्रेंड कर रहा है। और गाइस यहां पे बीटीसी की स्पेशल, जब पता आपको बाइनेंस में यहां पे बीटीसी में ट्रेडिंग फी को कम करके, मतलब जब बेबी डॉज कॉइन स्वाइप आया उसने अपना जो ट्रेडिंग फी है वो लोअर कर दिया, जैसे बिटकॉइन का जो बुलिश रैली यहां पे दिखने, तो 0.001% तक यहां पे आपको देखने को मिला। तो मतलब आप स्वाइप कर सकते हो बिना कोई फी के, एकदम जीरो फी में आप गाइस यहां पे स्वाइप ही कर सकते हो। अभी गाइस यहां पे जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर रही है binance.us की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया गुड मॉर्निंग क्रिप्टो ट्यूटर डॉट हैप्पी फ्राइडे, व्हाट इज द फर्स्ट चार्ट वी आर चेकिंग टुडे। देख लो गाइस यहां पे डॉज कम्युनिटी को बाइनेंस यहां पे चेक कर रहे, कहीं ना कहीं गाइस ये इंडिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है डॉज कम्युनिटी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हुआ कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्ते के अंदर गाइस। तो यहां पे कहीं ना कहीं लिस्टिंग भी आपको देखने को जल्दी मिल सकती है। तो गाइस ये आपको सबसे बड़ा न्यूज आज के दिन में यहां पे देखने को मिला बाइनेंस की तरफ से। और साथ ही साथ अभी तक बर्निंग की बात करें तो बर्न पोर्टल की तरफ से अपडेट है, जहां पे 27 ट्रिलियन अभी तक यहां पे बर्निंग आपको देखने को मिल रही है। बीटीसी स्पेशल आपको ऑलरेडी बताया बेबी डॉज कॉइन स्वाइप आया, तो गाइस उन्होंने बिटकॉइन ट्रेडिंग फी को है जो लोअर कर दिया 0.01%, तो गाइस काफी अच्छी बात मुझे लगी। और यहां पे बात करें बेबी डॉज कॉइन के प्राइस की, तो आज के दिन में प्राइस में आपको अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 7% का डाउन है, क्योंकि लोग यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो गाइस कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा, तो इसलिए गाइस आपको यहां पे प्राइस में फॉल देखने को मिला। हालांकि चार्ट पे देखोगे तो यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है ये इसको ब्रेक करते आपको देखने को मिला है, जो कि सीरीज था ऑलमोस्ट गाइस 3.51 सीरीज। मैंने आपको यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज बताया था, अगर आप यहां पे देखोगे तो आपने यहां पे जरूर सेल आउट कर दिया होगा, लेकिन गाइस यहां पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो यहां पे बेबी डॉज कॉइन का यहां पे देखने को मिल रहा है वो 3.11 की सीरीज पे है। तो जरूर गाइस इस टारगेट को आप चेकआउट कर सकते हो। बात करें बेबी डॉज कॉइन की अगली अपडेट की, तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं बेबी डॉज कॉइन बैक टू बैक लिस्टिंग किया जा रहा है अपने एक्सचेंजेस में, ऑलमोस्ट गाइस 6 न्यू लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही है अगले वीक के अंदर तक। और यहां पे वीकली रिकैप में देखो तो ऑलमोस्ट टोटल लिक्विडिटी लॉक जो 68.5 मिलियन कर दिया है, 0.001% तो स्वाइप ही कर दिया, ट्रेंड चल रहे मार्केट में आज के दिन में गाइस आपको ट्रेंड ही दिखेगा। और गाइस बाइनेंस में ऑलरेडी लोग ट्रेंड हो चुके हैं, बाइनेंस में आर्टिकल के सबसे नंबर वन पे। सबसे बड़ी बात गाइस बेबी डॉज कॉइन जो है वो लवली स्वाइप को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, और गाइस यहां पे नाउ ऑफिशियली फार्म स्पॉन्सर लवली स्वाइप का बन चुका है बेबी डॉज कॉइन। तो कहीं ना कहीं गाइस कम्युनिटी को लेकर चल रहे, और आने वाले समय में अच्छा खासा यहां पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। यही थी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।